साजिदा जी, आपके डाइट चार्ट बना के देने से पर्सनली हमें फायदा हुआ है। आज हमारी मानसिकता है कि हम जिम जा रहे हैं तो हम एक्टिव हो जाएंगे, तो क्या जिम जाना ही हेल्दी रहने के लिए जरूरी है या उसके लिए डाइट चार्ट, क्योंकि मैंने तो महसूस किया है कि डाइट जरूरी है, तो एज ए डाइटिशियन आप क्या सलाह देंगी, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साजिदा शेख एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। एज आफ्ताब जी ने आप लोगों को बताया, ही हैव बीन टू मी 3 months बिफोर। ही वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम, बैक एक था, फैट बढ़ गया था, स्टमक फैट ज़्यादा था। ये एक्टिव रहने का ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बट सिंस ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, न्यूज़ लेना रहता है, कभी बारिश में कभी धूप में, इन लोगों का कोई टाइम नहीं होता है, सो वी सैल्यूट देम फॉर दैट। सो उस चक्कर में उनके पास टाइम नहीं था, तो ये वॉज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो डॉक्टर मुझे क्या करना चाहिए? सो आई टुक हिज हिस्ट्री फर्स्ट, वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, बिकॉज आई मेक अ कस्टमाइज डाइट प्लान। ऐसे नहीं कि प्लान बना हुआ है आप फॉलो कर लीजिए, आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग आई हैव टू मेक अ प्लान, सो दैट इवन इफ नॉट 100% यू कैन फॉलो 50-60%, तो भी आपको 100% उसका बेनिफिट मिले। एज आफ्ताब जी ने बताया, उन्हें एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप एक्टिव नहीं हैं तो आप जिम ज्वाइन करिए, उन्होंने जिम ज्वाइन किया। सो जिम करना बहुत अच्छी बात है, वो आपको एक्टिव रखता है, बट उसके साथ साथ राइट न्यूट्रिशन बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम एक्सपर्ट ऑफ दैट, सो आई विल टेल यू। वेट लॉस वेट गेन तो एक्सपर्टी है ही मेरा, उसके साथ साथ मेरा जो एक्सपर्टी है, इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग थायरॉयड, PCOD, डायबिटीज़, कैंसर और ऐसी कुछ बीमारियां जो दवाई खाने खाते इंसान बोर हो गया है कि कितनी दवाई खाऊं, ऑब्वियसली है हमें दवाई खानी पड़ती है जब हमें डिजीज है, बट हमें उस दवाई तक पहुंचना क्यों है? हम अपने आप को डाइट खाकर, घर का हेल्दी फूड खाकर भी डिजीज फ्री रख सकते हैं। अब मान लीजिए आप पहले से, आपको कोई बीमारी नहीं है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं कि डॉक्टर मुझे फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हम ऐसा डाइट प्लान करेंगे कि फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको कोई भी बीमारी ना हो, बट मान लीजिए आपको कुछ हुआ है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, PCOD है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट की वजह से बेबी नहीं हो पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप गायनेक से मिल रहे हैं, गायनेक भी आपको दवाई दे रहे हैं बट नथिंग इज़ वर्किंग ऑफ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हम आपका फैट चेक करेंगे, BMI चेक करेंगे, BCA चेक करेंगे, वेट देखेंगे, हाइट देखेंगे, आपका डाइट लाइफस्टाइल देखेंगे, आप क्या फॉलो करते हैं, आपका डेली रूटीन देखेंगे, एंड हम देखेंगे कि व्हाई दैट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट, और उस कॉज को हम ख़त्म करने का ट्राई करेंगे सिंपल बैलेंस डाइट प्लान के ज़रिए। आई डोंट गिव एनी पील्स, एनी पाउडर, एनी आर्टिफिशियल थिंग। द रीज़न बिहाइंड नॉट गिविंग ऑल दिस थिंग्स इज, जब तक आप पाउडर खाएंगे, जब तक आप मेडिसिन खाएंगे, आप ठीक रहेंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे, डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहेगा, BP अंडर कंट्रोल रहेगा, आई मीन शूट अप नहीं होगा बट वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आप उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने उसको लॉन्ग टाइम लाइफस्टाइल मेंटेन किया तो। उसमें ऑब्वियस है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डाइट फॉलो करनी है, और डाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट मुश्किल ही नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं इनको रोकना चाहूँगा कि डाइट रियल में बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे इन्होंने जो मुझे कुछ डाइट सजेस्ट किया था, कुछ इन्होंने कहा था कि आप ककड़ी, टमाटर खाने के साथ सलाद बना करके जो खाते हैं, बीटरूट, ये सारी चीज़, कुछ कच्चा चना इस तरह से बनाया था, जो ड्राई फ्रूट्स, कुछ छोटा मोटा ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़, यानी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो ये देखती हैं कि जो पर्सन आया है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस वक्त, और उस वक्त के हिसाब से उनको क्या देना चाहिए, ये जैसे सजेस्ट है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, मतलब बहुत ऐसी छोटी छोटी, आप सोचिए ना, ककड़ी हमारे लाइफ को कितना ये करता है, गाजर, बीटरूट, ये सारे चीज़, तो ये सारे चीज़ को कब खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, वो एक फिजिक देख करके, उनका एक बहुत अच्छा मशीन है जिसमें मुझे याद है कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि माय एज इज़ 49, एंड उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपका एज हमारे
चेक के हिसाब से हमने जो चेक किया है 70 प्लस बता रहा है। नाउ आया, मैंने फिर से चेक किया तो अब ये हमारा एज कहीं ना कहीं इक्वल हो गया, यानी इनके पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन पे आप खड़े होते हो तो आपके बॉडीज के हिसाब से आपका एज क्या है ये भी बता देते हैं। तो आप जरूर आइए और ये डाइट को फॉलो कीजिए। यस प्लीज कंटिन्यू। जी, जैसे आफ्ताब जी ने बताया हमारे पास BCA BMI मशीन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसी कॉमन डाइट नहीं है कि मैं आपको बता दूं ये फॉलो करना है। दैट इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल बॉडी टू बॉडी, क्या आपका बॉडी रिक्वायरमेंट है। एंड हम खाने के लिए कंप्लीट खाना देते हैं, इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू बी ऑन अ स्टार्च डाइट कि सिर्फ सलाद खाना है, सिर्फ पानी पीना है। नो, दैट शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट। वो हमारा 7 फूड ग्रुप से होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, रोटीज़ भी होती है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, ग्रेन्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं, नॉनवेज भी होता है, एवरीथिंग। इट्स अ कंप्लीट मील दैट यू विल गेट, इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू हैव ओनली सलाद एंड अ वाटर। यू कैन हैव एवरीथिंग, राइस, रोटी, सब्जी, नॉन वेज, बट इन अ राइट क्वान्टिटी एंड अ राइट टाइम, सो दैट आई विल सजेस्ट यू वॉट टू ईट, हाउ टू ईट एंड वेन टू ईट। सो ये रहा एक बेसिक डाइट। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, थायरॉयड, PCOD, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल चेंज करने से एंड डाइट फॉलो करने से क्योर और रिवर्स हो सकती है। सो प्लीज़ आप आइए, एक बार विजिट करिए NSLim फिटनेस स्टूडियो को। यू कैन गूगल ऑल्सो NSLim फिटनेस स्टूडियो, आप हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, दुबई, सऊदी, रियाद, USA, मस्कत, कुवैत, बैंगलोर, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज एंड सिटीज से हमारे पास डाइट लिए जाते हैं। सो इवन इफ़ यू आर फ्रॉम आउट एंड वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आई विल गिव यू ऑनलाइन डाइट एंड यू विल गेट 100% रिजल्ट। दैट इज़ माई गारंटीड, इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन द रिजल्ट विल बी 100% गारंटीड। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कई बार आपको जो है डाइटिशियन से मिलना है, बात करना है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं कि आप कैसे आ पाओ, या फिर आप किसी और जगह पे रहते हो, बाहर कंट्री में रहते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम है और डाइटिशियन को भी मिलना है। तो NSLim फिटनेस की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, वीडियो चैट के ऊपर आप बात कर सकते हैं और आपको ये आपसे बात करके आपको क्या इश्यूज है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से ये आपको एक बेहतरीन डाइट चार्ट बना के देती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने एक कंप्लीट डाइट चार्ट मुझे बना के दिया, मैंने उसे फॉलो भी किया, लेकिन 10-15 दिन मैंने परफेक्ट फॉलो किया, लेकिन उसके बाद आज भी मैं 50-60% इनके डाइट चार्ट को फॉलो करता हूँ। टाइम ना मिलने के बावजूद भी जहाँ पे भी रहता हूँ मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और मॉर्निंग का तो 100% करता हूँ, चूँकि मॉर्निंग शुरुआत हमारी घर से होती है, सबकी शुरुआत घर से होती है, तो मॉर्निंग का डाइट आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन आकर के इनसे बात कर सकते हैं। आप आ नहीं सकते हैं तो आप ऑनलाइन अपने इश्यूज को बताइए, ये उस हिसाब से आपको डाइट चार्ट बना के देंगे। इसका फायदा मुझे पहुंचा है, मुझे 2-3 चीज से लाइफ में बहुत फायदा पहुंचा है। मैं आपको बताऊं कि एक तो मैंने जिम किया, और जिम जब कर रहा था मैं तो बहुत मेरा भी अपना मानना था कि अब तो जिम जा रहा हूं मैं, 15-20 मिनट कार्डियो कर रहा हूं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, तो अब तो बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद और कमज़ोरी शुरू हो गया। अब वो कमज़ोरी जानने के लिए मेरा जो खान पीन था वो पहले से था, खाना खाता था सुबह, नाश्ता दोपहर को और रात को, लेकिन क्या खाना है, जिम में तो हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपना जा करके, फैट बर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नया क्या चीज आए बॉडी में और क्या जरूरत है हमारे बॉडी को, वो हमें नहीं पता था। तब इन्होंने हमें वो बताया और उसको फॉलो किया मैंने, और मुझे उसका फ़ायदा पहुंचा। तो मैं NSLim फिटनेस रिकमेंड करूंगा आपको, आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा चीज़ मैं वीडियो में डाल दूंगा,
अगर बीरा भाईंदर में रहते हैं आप, मुंबई में रहते हैं आप, तो बहुत ही आसान सा इनका एड्रेस है, ठीक वॉकहार्ट हॉस्पिटल के पास जो है एनएस स्लिम फिटनेस है, और वॉकहार्ट हॉस्पिटल को मीरा रोड में हर कोई जानते हैं, तो बस इसके पास ही है। उसके बावजूद मैं एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर चला दूंगा। अगर आपको वाकई में फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बीमारी भी है जो ऐसा लगता है कि डाइट चार्ट से जा सकता है, आप इनसे मिलिए। ये जो कर पाएंगी वही बोलेंगी। जैसा इन्होंने कहा डायबिटीज, थायराइड और कुछ ऐसी जो दो चार बीमारियों का नाम लिया, वाकई में ये सब चीज़ों को डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मैं मिला भी हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, तो मुझे इस बात का पता है। तो दोस्तों बस अगर इस तरह का कोई इश्यूज है, और अगर इस तरह का इश्यूज नहीं भी है, तो एक बार डाइटिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए। आपका डाइट चार्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। लाखों रुपए के खर्चे आप सिर्फ अपने डाइट चार्ट पे कंट्रोल करके, डाइट चार्ट बना करके, खान पान सही करके बचा सकते हैं। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शेखा फ्रेंड। आई एम सफरिंग फ्रॉम वेट इशू बिफोर 3 months। माय एज इज़ 23 एंड माय वेट वाज 32 kg। देन आई गॉट अ नंबर ऑफ डॉक्टर साजिदा एंड स्लिम फिटनेस। आई कंसल्ट विद हर एंड शी गिव मी द बेस्ट रिजल्ट इन 3 months। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नाउ 41 kg। Now also I'm following the same diet because I was now gaining 45 kg. Her communication skill to the customer is very good. She is very kind. She is very friendly. So I recommend it to all. Please go for it for skin, hair and weight loss, weight gain and etc. Thank you. माझे नाव प्रज्ञा चौधरी। मी आणि माझे मिस्टर इथे एनएस स्लिम स्टुडिओ मध्ये डॉक्टर साजिदा शेख यांच्याकडे ट्रीटमेंटसाठी आलो होतो। माझे वेट 83.75 असे होते आणि आम्ही 3 महिने त्यांची ट्रीटमेंट घेतली। त्यात एक गृहिणी आहे आणि माझ्या मिस्टरांनी एनकरेज केल्यामुळे मी इथे डॉक्टर साजिदांच्या इथे आणि माझ्या मिस्टरांनी एनकरेज केल्यामुळे मीरा रोडला त्यांचं क्लिनिक आहे, तिथे मी त्यांची ट्रीटमेंट घेते। त्यांच्या डाएट प्लॅनमुळे आणि माझ्या एफर्ट्समुळे माझं 3 महिन्यांमध्ये 10 किलो वजन कमी झालं आहे। नमस्कार, माझं नाव किरण चौधरी, मी रेल्वे वर्कशॉपमध्ये काम करतो आणि मी जेव्हा इथे इथे माझ्या हेल्थ इश्यूजच्या हिशोबाने इथे आलेलो, माझं वेट तेव्हा 83 kg होतं आणि मला गुडघ्याचा आणि श्वास घ्यायचा भरपूर त्रास होत होता आणि आता ह्या 3 महिन्यामध्ये माझं वेट जवळजवळ 72 kg म्हणजे 10 किलो कमी झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या कारणामुळे माझे श्वासाचे गुडघे दुखण्याचे वगैरे इश्यूज क्लिअर झालेले आहे आणि मॅडमनी मला एवढी चांगली ट्रीटमेंट दिलेली आहे आणि चांगलं डाएट वगैरे दिलेलं आहे की त्याच्यामुळे मला थकवा वाटणं आहे हे सर्व माझं एकदम बंद झालेलं आहे। हॅलो, माझं नाव श्वेता अनपत। डिलिव्हरीनंतर ॲक्च्युली माझं वजन खूप वाढलं होतं, पण डॉक्टर साजिदा मॅमच्या गाईडलाईन्समुळे माझं वजन कमी होण्यास खूप म्हणजे खूप हेल्प झालेली आहे। 2 महिन्यांमध्ये मी 5 किलो वजन कमी केलेलं आहे। थँक्यू साजिदा मॅम, थँक्यू एनएस फिटनेस। मला जीन्स माझी 36 पाहिजे, ती आता मला 34 होते आणि मला आता 30 आणून त्याला थांबवायचं आहे। तेवढंच कमी करायचं आहे वजन, अजून तरी माझा गोल 10 किलो वजन कमी करण्याचा आहे। डॉक्टर साजिदा मॅम तर आहेतच सोबत, पण तुम्हीही नक्की एनएस फिटनेसला जॉईन व्हा आणि वेट रिड्यूस करण्यासाठी हेल्प घ्या डॉक्टर साजिदा मॅमची। थँक्यू, थँक्यू सो मच। माय नेम इज कपिल निकम। ॲक्च्युली आय एम अ रेग्युलर रनर अँड माय वेट वॉज अराऊंड 74 kg
and I have been running since 5 to 6 years, but still I was not able to reduce my weight. So I had decided to approach a professional dietitian, and I got a reference through Google, Miss Sajida. First time I visited her, and that time she asked me what is my target and what is my daily routine, etc. And she had given me a diet that is very suitable for me. Means I appreciate that diet is very suitable, and it is not most of the things are not restricted, and due to that only within a span of first 10 days I have reduced 3 kg, and thereafter after 10 days she has changed my diet plan, and that diet plan was also very suitable for me. Some exercises has been suggested, and I follow those exercises, as well as I follow strictly diet plan whatever has been given to me. And after completion of 2 months, my weight is reduced 68 kg. Means when I visited her, that time it was 74 kg, and even not 68 kg, even below 68 kg. And I will recommend it to you guys. Means if you have any target weight, then that can be achievable by her advice. Thank you.